बॉन्ड क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनता है, जबकि हेटरोलाइटिक क्लीव बॉन्ड क्लीवेज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनती हैं। ठीक है, देखो इधर बोर्ड पर, ये है आपका कार्बन, और सपोज दैट कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई है मैग्नीशियम। सपोज दैट अपने सपोज कर लिया कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई है मैग्नीशियम, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि मेटल पॉजिटिव चार्ज रखना चाहती है अपने ऊपर या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मेटल इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके कैसा चार्ज बियर करती है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो सुनो, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मैग्नीशियम व्हेन व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इन दिस कंडीशन द बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड शुड बी शिफ्टेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, देन इन दिस कंडीशन कार्बन एटम शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। कार्बन एटम पर कैसा चार्ज आता है भाई? जब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले गए तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज विल बी नोन एज कार्बोनायन। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनायन के नाम से जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं फिर। वही बेटा, जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल पढ़े थे, जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ कार्ब कैटायन पढ़े थे, वैसे ही हम टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे? कार्ब एनायन पढ़ेंगे। वही बेटा, जितने टाइप, कितने टाइप के थे कार्बन फ्री रेडिकल? चार टाइप के। वैसे ही कार्बो एनायन भी कितने टाइप के हैं? चार टाइप के हैं। कौन कौन से हैं चार टाइप के वो अपने? वेरी गुड, प्राइमरी कार्बेनायन, सेकेंडरी कार्बेनायन, टर्शरी कार्बेनायन और मिथाइल कार्बेनायन। प्राइमरी कार्बेनायन में नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है? एक, सॉरी, कितने कार्बन से जुड़ा होता है? एक कार्बन एटम से, और बाकी से दो किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से। सेकेंडरी कार्बेनायन में कितने कार्बन से जुड़ा होगा? दो कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, और थ्री डिग्री कार्बेनायन में कितने कार्बन एटम से जुड़ा होगा? तीन कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि मिथाइल कार्बेनायन में किसी भी कार्बन एटम से अटैच ना होगा, किससे अटैच होता है? तीन हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। बी क्लियर बेटा? चलो सुनो मेरी बात आगे। कार्बो एनायनों के, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आंसर देना, आंसर दो। फ्री रेडिकलों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? वेरी गुड, फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बो कैटायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्ब एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, कार्ब एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कैसे, अभी अभी बोर्ड पर समझाया था कार्बन कार्बन, और कार्बन किससे जुड़ा था? मैग्नीशियम के साथ। इसमें कितने बॉन्ड थे? दो बॉन्ड। मैडम चौक की व्यवस्था करवाओ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन करवाए थे? दो इलेक्ट्रॉन। और मैंने क्या कहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? कार्बन के पास। समझ में आ गई बात? दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए। एक दो तीन, तब में देखो तीन तो बॉन्ड बन रहे हैं, और तीन बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तीन बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 क्या हो गए? 8। क्लियर है इसकी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि कार्ब एनायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इनका ऑक्टेट क्या होता है? पूरा होता है। ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब सपोज दैट सुनना, ये स्टेबल है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जबरदस्ती इनके पास और वजन दे दूं, इनके ऊपर और वजन डाल दूं, तो अगर मैं इनको और नेगेटिव चार्ज दे दूं, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना पुटअप होता है वो ही होता है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। वेरी गुड, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसकी है? मिथाइल कार्बेनायन की। उससे कम है 1 डिग्री की, उससे कम है 2 डिग्री की, और सबसे कम है 3 डिग्री की। क्लियर है यहां तक की बात? फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। निकल में आ गई, देख लो, मिथाइल कार्बो एनायन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब अपन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं
एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा कि कार्बेनाइन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना है आपको, फ्री रेडिकल के 7, कार्बोकेटाइन के 6 और कार्बेनाइन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया बात? कार्बेनाइन के 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण, अगर सुनो बेटा, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट वर्क करता है? एल्काइल ग्रुप शुड बी शो प्लस आई इफेक्ट। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, 3 एल्काइल ग्रुप और नेगेटिव चार्ज देंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप प्लस आई की वजह से, 2 एल्काइल ग्रुप प्लस आई की वजह से बेटा नेगेटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्शन कम है, यहाँ पर रिपल्शन और कम होता हुआ चला जाता है, और लास्ट वाले में है ही नहीं। जहां रिपल्शन नहीं होगा वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई द रीजन मिथाइल कार्बोएनायन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल देन। क्लियर है यहां तक की बात? कोई शक? ठीक है, चले आगे बात। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जब भी पढ़ते हैं तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन जब ये कार्बेनाइन खत्म होगा तब दूंगा मैं। समझ में आ गई बात? अब तक तुम ये ध्यान रखो कि कार्बो कैटाइन फ्री रेडिकल दोनों की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं, लेकिन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से नहीं बता सकते। तो हाइपर कॉन्जुगेशन गायब हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन गायब होने के बाद यहाँ कौन सा इफेक्ट बचा बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस में 3 टाइप के कार्बेनाइन पड़ेंगे। वो 3 टाइप के कार्बेनाइन कौन से हैं बेटा? वो 3 टाइप के कार्बेनाइन, 4 टाइप के कौन से? सबसे पहला, वेरी गुड, वही बेटा, शाबाश, एलाइलिक कार्ब एनायनिक। ठीक है बेटा, ये कौन सा हो गया आपका? एलाइलिक कार्ब एनायन। एलाइलिक कार्ब एनायन में कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड है, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी? 2 बनेंगी। इसके बाद कौन सा है? वेरी गुड, बेंजाइलिक कार्ब एनायन। बेंजाइलिक के बाद कौन सा है? डाइफिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। इसके बाद कौन सा है? ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहां तक की बात? वही बात, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोनाइन में 9 पाई बॉन्ड है, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर बेटा डाई में 6 पाई बॉन्ड है तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, नेक्स्ट वाले में 3 है तो 4 बनेंगी, फिर ये इससे कम स्टेबल 3 डिग्री, ठीक है, सॉरी इससे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल। इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा बेटा वो इस तरीके से आएगा, मिथाइल, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री। इसका मतलब कार्बेनायनों में सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्ब एनायन होता है, जबकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बो एनायन। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अपना ये वाला पूरा हो गया, अब अपना नेक्स्ट लेते हैं शेप, शेप ऑफ कार्बेनायन। देखो बेटा, कार्ब एनायन की जो शेप होती है वो पायरामिडल होती है। कैसी होती है? अमोनिया होता है ना, अमोनिया, अमोनिया की शेप कैसी होती है? अमोनिया की शेप कैसी होती है? पायरामिडल होती है। अमोनिया की शेप कैसी होती है? पायरामिडल, NH3 की। वाटर की शेप कैसी होती है? वी शेप, वेंट शेप। अमोनिया की कैसी शेप होती है? पायरामिडल। और कार्बेनाइन की भी कौन सी शेप होती है? पायरामिडल होती है। याद रखना है कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? SP3। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों एक जैसे चल रहे थे, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा? SP2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है SP3। और अब एक छोटा सा नोट लिख लें अपनी कॉपी में, लिखो बेटा छोटा सा नोट लिख लो कहीं भी, याद रखना इसको।
टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कार्बन एटम टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कार्बन एटम शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं जबकि कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3 इसीलिए ये इस इफेक्ट को शो नहीं करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को शो नहीं करेंगे बताओ किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम ओके बेटा हाँ जी ऑनलाइन वालों पटारा जी सैनी जी शर्मा जी और बंसल जी बताओ बेटा कहीं कोई समस्या हो तो नो सर थैंक यू विनायक नो प्रॉब्लम सर नो नो वेरी गुड ठीक है चलो ये आपका यहाँ पर क्या पूरा हो गया बेटा कार्ब एनायन पूरा हो गया तो और कार्ब एनायन पूरा होने के साथ साथ अपना कौन सा बॉन्ड क्लीवेज भी पूरा हो गया हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज अपन ने दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज पढ़े थे होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक और यहाँ पर अपना कौन सा पूरा हो गया बेटा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज पूरा हो गया नेक्स्ट हेडिंग है अलग से ठीक है और उस हेडिंग का नाम बेटा देखो सुनो मेरी बात पहले देखो कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कौन से मॉलिक्यूल कहते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं आपस में रिएक्शन करके वेरी गुड इंटरमीडिएट बनाते हैं और इंटरमीडिएट आपस में रिएक्शन करके वेरी गुड इसका फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं अब मैंने आपको आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट दे रखे हैं मैंने आपको तीन इंटरमीडिएट पढ़ा दिए हैं कौन कौन से फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन तीन और बच गए हैं कार्बीन बेंजाइन और नाइट्रीन कार्बीन नाइट्रीन और बेंजाइन तीन इंटरमीडिएट और बच गए हैं आपके सिलेबस में देखो बोर्ड पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं दोज मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन विल बी नोन एज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं कौन कौन सा है पहला सबस्ट्रेट और दूसरा कौन सा है आपका रिएजेंट ठीक है ना आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट सबस्ट्रेट आर दोज मॉलिक्यूल अच्छा मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देना भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है पहले अटैक कौन करता है वेरी गुड बिल्कुल सही बात है हम कभी अटैक करते ही नहीं है पहले अटैक कौन करता है पाकिस्तान किस पर अटैक करता है इंडिया पर अटैक करता है तो सबस्ट्रेट इज जस्ट लाइक इंडिया मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा एंड सब रिएजेंट इज जस्ट लाइक पाकिस्तान इसका मतलब रिएजेंट एक अटैकिंग स्पीशीज है जो किस पर अटैक करता है सबस्ट्रेट पर अटैक करता है क्लियर है यहां तक की बात मैंने क्या कहा रिएक्टेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स व्हिच वन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट सबस्ट्रेट इज जस्ट लाइक इंडिया रिएजेंट इज जस्ट लाइक पाकिस्तान और आपको पता है हमेशा कौन अटैक करता है पाकिस्तान अटैक करता है ठीक है बेटा मेरी बात तो पाकिस्तान तो क्या हो गया रिएजेंट हो गया और सबस्ट्रेट इंडिया तो डेफिनेशन कैसे कहेंगे रिएक्टेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स सबस्ट्रेट और रिएजेंट इज दोज स्पीशीज व्हिच इज अटैक्ड ऑन सबस्ट्रेट ठीक है समझ में आ गया यहां तक की बात ठीक है चलो आगे की बात करते हैं अब देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन Benzene will be gives electrophilic substitution reaction. Benzene कौन सी reaction show करता है? Electrophilic substitution reaction. Devyani doubt कहाँ doubt है बताओ बेटा Devyani बोलो type करके भेजो फटाफट से Devyani कटारा क्या doubt है आपको
नो डाउट सर, ओके। जैसे बेटा बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक। बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो, ये हो गया मेरा बेंजीन और ये कौन हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा के कौन जुड़ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। तो ये अटैक कर रहा है, ठीक है बेटा। और प्रोडक्ट क्या बनता है? ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन में बेंजीन पर तो अटैक हो रहा है, तो बेंजीन तो किसकी तरह बिहेव करेगा? सबस्ट्रेट की तरह। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करेगा? रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब आगे बात करते हैं। सबस्ट्रेट और रिएजेंट समझ में आ चुके हैं अपन को। सबस्ट्रेट पर अटैक होता है और रिएजेंट अटैक करता है। अब रिएजेंट अटैक करने के बाद रिएजेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रिएजेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड विल बी मेड अप बाई टू वर्ड। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड विल बी मेड अप बाई टू वर्ड, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल इज अ वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। द मीन ऑफ इट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल वर्ड दो वर्डों से मिलकर बनाया है, बना हुआ है। इलेक्ट्रोल फाइल, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। ठीक है। इट मींस दोज स्पीशीज व्हिच विल बी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन। अब आप सबको इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करेंगी? नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव को नेगेटिव अटैक करेगा या पॉजिटिव? मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दो स्पीशीज विच विल बी अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव चार्ज को। और नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल आर दो स्पीशीज विच शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक की बात? जितने भी एटम है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब मुझे बताओ, कार्बो कैटायन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? वेरी गुड। क्योंकि कार्बो कैटायन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आपको दिखाई दे वो सब की सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। आ जाओ बेटा, रिएजेंट विल बी डिवाइडेड इनटू अनदर सेकंड टाइप, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और एनोदर वर्ड इज फाइल। न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस। और आप सबको पता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक तो कौन रहता है? न्यूट्रॉन रहता है और एक कौन रहता है? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस से यहाँ कौन सा चार्ज देंगे? पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब होता है टू अट्रैक्शन। इट मीन दोज स्पीशीज विच विल बी अट्रैक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। वेरी गुड। ठीक है बेटा, शाबाश। वेरी गुड विशाल। ठीक है, न्यूक्लियस, इस पर न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और फाइल का मतलब है टू अट्रैक्शन। ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती हैं क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। और पॉजिटिव चार्ज को कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो सब किसकी तरह बिहेव करती हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक कर लिया बेटा? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम तो
तो बस अब अपन कल डिस्कशन करेंगे, बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, रिप्लाई करो बेटा, यस या नो में। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो करो, और कोई प्रॉब्लम है तो यस करो और आगे बताओ, भेजो। नो सर, अरुण सिंह थैंक यू, नो अरुण विनायक थैंक यू, देवयानी नो, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में से आप इन सबको तैयार करो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आपको पीडीएफ भी दे दिए शायद सर ने, सॉफ्ट कॉपी। और ठीक है बेटा, नहीं दी सर, नहीं मिली पीडीएफ। चलो आप एक बार, सर नोट्स नहीं मिले आपको, आप एक बार प्रदीप सर से बात करें नोट्सों के लिए, ठीक है ना। आप एक बार मैनेजमेंट हेड प्रदीप सर से बात करें फोन पे, पूछें उनसे। You know.